एक कहावत है, टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नन। इसका मतलब ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल फोर्सेस टाइम और टाइड्स को अफेक्ट नहीं कर सकती। लेकिन कभी आपने सोचा है कि टाइड्स अपने टाइम पर इतने अटल कैसे रहते हैं? कौन लोग हैं आखिर जो इसके लिए अलार्म सेट करते हैं और स्नूज का ऑप्शन भी नहीं देते हैं? मतलब कौन से वो फैक्टर्स हैं जो टाइड्स को अपने रेगुलैरिटी और टाइमिंग पर फिक्स रखते हैं? कौन से वो फोर्सेस हैं जिसकी वजह से टाइड का ऑकरेंस इतने सर्टेनिटी के साथ होता है? आज के इस वीडियो में आपको टाइड से जुड़ी इन्हीं सब सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। टाइड्स की बात करें तो ओशन वाटर्स का एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर रेगुलर राइज और फॉल को टाइड्स कहा जाता है। जब ओशन लेवल राइज होकर अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाती है तो उसे हम हाई टाइड्स बोलते हैं, और जब ये रिसीड होकर अपने मिनिमम लेवल पर जाती है तो इसे हम लो टाइड कहते हैं। ये दोनों फिनोमेनन सन, मून और अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बीच इंटरैक्शन की वजह से होता है, और इन्हीं फोर्सेस के बैलेंस के बीच में टाइड का ऑकरेंस देखने को मिलता है। वर्ल्ड का हाईएस्ट टाइड कनाडा के नोवा स्कोटिया के बे ऑफ फुंडी में देखने को मिलता है, जिसकी हाइट लगभग 15 से 16 मीटर तक होती है, और यहाँ एक दिन में दो हाई टाइड और दो लो टाइड देखने को मिलते हैं, जिससे ये माना जाता है कि हर 6 घंटे पर एक टाइड ऑकर होता ही है। इसी तरह ग्लोबली अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के टाइड्स ऑब्जर्व किए गए हैं, जिन्हें सन, मून और अर्थ के रिलेटिव पोजिशन और फ्रिक्वेंसी के बेसिस पर कैटेगराइज किया जा सकता है। वैसे तो टाइड एक बहुत कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन है, क्योंकि इसके फ्रिक्वेंसी, हाइट और मैग्नीट्यूड में बहुत वेरिएशन होता है, लेकिन फिर भी इन्हें कुछ तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। जैसे कि फ्रिक्वेंसी की बात करें तो इसी बेसिस पर टाइड्स को सेमी डाइअर्नल, डाइअर्नल और मिक्स्ड टाइड्स में डिवाइड किया गया है, जिसे हम एक एक करके देखते हैं। सेमी डाइअर्नल टाइड्स वर्ल्ड के सबसे कॉमन टाइड पैटर्न है, जिसमें हर दिन दो हाई टाइड्स और दो लो टाइड्स देखने को मिलते हैं। इस तरह के टाइड्स में सक्सेसिव हाई और लो टाइड्स अप्रोक्सीमेटली सेम हाइट के ही होते हैं। और अगर हम टाइम इंटरवल्स की बात करें तो भले ही टाइड्स दिन में दो बार अकर होते हैं, लेकिन इनका इंटरवल एग्जैक्टली 12 आवर्स नहीं होता है। ये टाइड्स 12 आवर्स एंड 25 मिनट्स के रेगुलर इंटरवल्स पर ऑब्जर्व किए गए हैं। आप सोच रहे होंगे ये एडिशनल 25 मिनट्स कहाँ से है? तो इसका रीजन ये है कि टाइड का ऑकरेंस सोलर डे के बेसिस पर ना होकर ल्यूनर डे के बेसिस पर होता है, और एक ल्यूनर डे करीब 24 आवर्स 50 मिनट्स का होता है। अगर आप अर्थ के किसी एक पॉइंट से मून को ऑब्जर्व करें तो मून को एग्जैक्टली सेम पोजीशन पर पहुंचने में लगभग 24 घंटे 50 मिनट लग जाते हैं, और यही रीजन है वो एक्स्ट्रा 25 मिनट्स का, जो कि 24 आवर्स में सम होके 50 मिनट्स बन जाता है, और टोटल 24 आवर्स 50 मिनट्स का ये ल्यूनर डे टाइडल रेंज के इस 25 एक्स्ट्रा मिनट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेमी डाइअर्नल टाइड्स के बाद टाइड्स को हम फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर डाइअर्नल टाइड्स में क्लासिफाई करते हैं। ये वो टाइड्स हैं जिसे एक दिन में सिर्फ एक हाई टाइड और एक लो टाइड में देखा जाता है। डाइअर्नल टाइड्स का सक्सेसिव हाई और लो टाइड्स की हाइट भी अप्रोक्सीमेटली सेम ही होती है। इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो गल्फ ऑफ मेक्सिको, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अलास्का और साउथ ईस्ट एशिया में होने वाले टाइड्स डाइअर्नल टाइड्स होते हैं। इसी बेसिस पर टाइड्स का नेक्स्ट फॉर्म है मिक्स्ड टाइड। इस कैटेगरी के सक्सेसिव टाइड्स में काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलता है, और इसीलिए इसे मिक्स्ड टाइड्स के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें, मिक्स्ड टाइड जनरली नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट और पैसिफिक ओशन के कई सारे आइलैंड्स में देखने को मिलता है। यूनाइटेड स्टेट्स के वेस्टर्न कोस्ट, अलास्का और हवाई में देखे जाने वाला ज़्यादातर टाइड्स मिक्स टाइप का होता है। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी बताया, टाइड्स को सन, मून और अर्थ के रिलेटिव पोजिशन के बेसिस पर भी क्लासीफाई कर सकते हैं। इस तरह के टाइड्स की हाइट सन, मून और अर्थ के पोजीशंस पर डिपेंड करते हैं, और नतीजन राइजिंग वाटर के हाइट यानी हाई टाइड में वेरिएशन देखने को मिलता है। इस तरह के टाइड्स को हम स्प्रिंग या नीव टाइड्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि सन और मून के पोजीशन का टाइड्स के हाइट से डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो जब सन, मून और अर्थ एक स्ट्रेट लाइन पर होते हैं तो टाइड की हाइट भी ज़्यादा होती है, और ऐसे टाइड्स को स्प्रिंग टाइड्स कहा जाता है। स्प्रिंग टाइड्स महीने में केवल दो ही बार अकर होते हैं, एक फुल मून पीरियड में और दूसरा न्यू मून पीरियड में। स्प्रिंग टाइड्स की तरह ही नीप टाइड भी महीने में दो ही बार अकर होते हैं। नीप टाइड के बारे में बात करने से पहले आपको बता दें कि स्प्रिंग टाइड्स और नीप टाइड्स के बीच 7 डेज का इंटरवल होता है,
और इस टाइम में सन और मून एक दूसरे के राइट एंगल्स पर सिचुएटेड होते हैं, तो नतीजन दोनों के फोर्सेस एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते हैं। हालांकि मून का अट्रैक्शन फोर्स जो कि सन से लगभग दो गुना ज्यादा होता है, वो भी सन के ग्रेविटेशनल पुल के काउंटर एक्टिंग फोर्स से डिमिनिश होता है। ये तो बात हुई टाइप्स ऑफ टाइड्स की, जहां हमने देखा किस तरह सन और मून के पोजीशन से अलग अलग तरह के टाइड्स अकर होते हैं। अब आइए एक नजर डालते हैं टाइड्स के मैग्नीट्यूड पर। किसी भी टाइड की मैग्नीट्यूड अर्थ के पेरिजी और एपोजी पर बेस्ड होते हैं। मून अर्थ के चक्कर एक हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में लगाता है और इस ऑर्बिट का वो पॉइंट जो अर्थ के सबसे नजदीक है उसे पेरिजी और अर्थ के सबसे दूर वाले पॉइंट को एपोजी कहते हैं। मैग्नीट्यूड की बात करें तो मून और अर्थ के पेरिजी और एपोजी टाइड्स के मैग्नीट्यूड को इम्पैक्ट करने में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। यानी महीने में एक बार मून अर्थ के पेरिजी पर होता है और इस समय टाइडल रेंज नॉर्मल से बहुत ज्यादा होते हैं, और दो हफ्ते बाद जब मून अर्थ के एपोजी पर होता है तो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक हो जाता है, जिसके कारण टाइडल रेंज अपने एवरेज हाइट से कम हो जाते हैं। और इसी तरह हर साल 3 जनवरी को जब अर्थ सन के क्लोजेस्ट होता है तो टाइडल रेंजेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से अनयूजुअली हाई और अनयूजुअली लो टाइड्स विटनेस किए जाते हैं। सिमिलरली हर साल 4 जुलाई को जब अर्थ सन से फादेस्ट होता है तो टाइडल रेंज एवरेज से बहुत कम हो जाता है। साथ ही टाइड्स के कॉन्टेक्स्ट में एक और कॉन्सेप्ट है ऐब और फ्लड का। एक हाई टाइड और लो टाइड के बीच के रिसीडिंग करंट फ्लो को ऐब कहा जाता है, और इसके बाद फिर जब टाइड राइज होता है तो लो टाइड एंड हाई टाइड के बीच के टाइम वाले करंट को हम फ्लड टाइड के नाम से जानते हैं। इस तरह से ऐब एंड फ्लड टाइड्स एक फ्लड साइकिल को पूरा करते हैं। टाइड्स अर्थ मून और सन के पोजीशन से अफेक्ट होने के कारण इन्हें एडवांस में ही प्रिडिक्ट किया जा सकता है, जिससे हमें काफी एडवांटेजेस भी मिलते हैं, जैसे कि नेविगेशन में टाइड्स एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। आपको बता दें टाइड्स की प्रेजेंस शिप्स के लिए हार्बर को अप्रोच करने और डॉकिंग के समय में बहुत हेल्प करता है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है लंदन और कोलकाता पोर्ट्स, जहां शिप्स नेविगेट करने के लिए हाई टाइड्स के एड पर निर्भर रहते हैं। इसी तरह फिशिंग के लिए हाई टाइड्स हर फिशरमैन का एक ड्रीम सिनेरियो होता है, क्योंकि हाई टाइड्स की वजह से फिशेस कोस्ट से क्लोजर आ जाती हैं, जिससे फिश कैचिंग एफर्टलेस हो जाता है। फिर डीसिल्टिंग में भी टाइड्स का एक अहम रोल होता है। जब रिवर्स ओशन में मर्ज होती हैं तो इसके माउथ पर बहुत सारा सिल्ट डिपॉजिट हो जाता है, और यह सिल्ट वाटर को फ्री फ्लो करने से ऑब्स्ट्रक्ट करता है। लेकिन जब वाटर चैनल्स में टाइड्स का फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट होता है तो इन इकट्ठा हुई सिल्ट्स को हम लोग आराम से ओशन सरफेस तक लेके जा सकते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग डीसिल्टिंग बोलते हैं। टाइड्स का हमें एक और फायदा मिलता है, और वो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। जी हाँ, टाइड्स के यूज हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए करते हैं, जिसे टाइडन एनर्जी के नाम से जाना जाता है। फिजिक्स की सेंस में समझे तो टाइड्स एक मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ वाटर है, जिसमें कुछ इनहेरेंट एनर्जी होती है। टाइडल एनर्जी के थ्रू हम इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। इनफैक्ट ग्लोबली देखें तो कनाडा, फ्रांस, रशिया और चाइना जैसे कंट्रीज में ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया भी गया है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में वेस्ट बंगाल के दुर्गा दुआनी के सुंदरबंस में 3 मेगावाट टाइडल प्रोजेक्ट्स बिल्ड किया गया है, जो सक्सेसफुली रन कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी एक ब्रीफ डिस्कशन टाइड्स के बारे में। मिलते हैं आपसे ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।